अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं आज 15 जनवरी को आनंद कोलियावाड़ा परिसर में। इसी आनंद कोलियावाड़ा परिसर में 12 जनवरी को एक मारपीट की वारदात हुई थी। दो गुटों में कॉलेज के छात्र हैं, युवक हैं, यहाँ के स्थानीय गुट और बाहर से आए हुए एक गुट के बीच में यहाँ पर झगड़ा हुआ। इस मामले में हमने पूरी तहकीकात की, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो तमाम स्थानीय लोगों ने क्या बताया, इस पूरे झगड़े का कारण क्या है, क्या वजह है, और पिछले 6 महीनों से लगातार जो है यहाँ की बीएस जोंदले स्कूल है, मॉडल कॉलेज है और जीआर पाटिल कॉलेज है, यहाँ पर अक्सर लड़कियों के साथ में जो है अश्लीलता करना, अभद्रता करना और छेड़खानियाँ करना, और उसको अगर कोई स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो उनके साथ में बदतमीजी करना, इन्हीं सिलसिलों के चलते जो है ये मारपीट की घटनाएं हुई है। इससे पहले भी 3 से 4 बार यहाँ पर जो है मारपीट हो चुकी है और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन से हमने इस बारे में कई बार शिकायत की कि बाहरी लोग आकर के, लड़के आते हैं, युवक आते हैं, यहाँ पर छेड़खानियाँ करते हैं और उसके बाद जो है इस तरीके की मारपीट की घटनाएं होती है। तो क्या पूरा मामला है, आनंद कोलियावाड़े के तमाम लोगों का क्या कहना है, एक प्रातिनिधिक तौर पर हमने उनकी जो है यहाँ पर बातें ली है, उनको सुनिए और पूरा ये झगड़ा जो है उसके कारण क्या है उसको हमने जिस तरह से जानने और समझने की कोशिश की है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। माजी, 12 जनवरी को यहाँ पर कुछ लड़कों का झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, उसमें आपके बच्चे को भी पुलिस ने पकड़ा है, आरोपी बनाया है, तो क्या कहना आपका इस वारदात को लेकर के, इस झगड़े को लेकर के? मेरा कहना ये है कि हमारे बच्चे घर में थे, वो लोग वहाँ से इतने सारे आए और आने के बाद हमारा बच्चा बीच बचाव करने लगा तो हमारे बच्चे को भी मारे और उसको वो उसी को आप आरोपी बना दिए, तो ये क्या है? हम रहते किधर, आते इधर दादा घर गर्दी करने के लिए, कम से कम 20-25 लोग थे, हम लोग अपनी खिड़की से देखे, मगर अभी क्या है कि अब इंसाफ हमको चाहिए। हाँ, हमारे बच्चों के ऊपर ये केस लगा रही है, लग रहा है उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये कोई तरीका है? आप क्या कहेंगे इस झगड़े को लेकर के? मैं ये कहूँगी, कह रहे ये मामला होना नहीं चाहता, झगड़ा ऐसा, मगर कह रहे जब सामने वाला आया लड़ाई करने के लिए तो सामने वाला कह रहे वो कुछ नहीं कर सकता है क्या? फिर वो लोग ने भी हाथ छोड़े, पहला वो लोग छोड़े, बाद में अपने वाले ने हाथ छोड़े ना, वो लोग रहते उधर पे लंबा और रहते आए ले इधर से यहाँ पे आनकोलियावाड़े में आके लफड़ा का करे, और कॉलेज के अंदर जब पढ़ाई को जाते हर बच्चा कह रहे अपनी स्कूल देखना चाहिए, कॉलेज देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और लड़की लोग को नहीं छेड़ना चाहिए, यहाँ लड़की लोग को भी छेड़ते हैं, ये को कौन सी मामा जाल है? 20 रस्ते के ऊपर लड़की लोग का ओढ़नी दुपट्टा खींचते वो बात अच्छी है, यानी वो लोग गुनहगार नहीं है, हमारे बच्चे गुनहगार है, बोलने जाओ तो। आप क्या कहेंगे इस पूरे झगड़े को लेकर के? इतनी गलत बात है, हम लोग अपने आँख से देखते हैं, क्या इन लोग है ना लड़कियों को छेड़ते हैं, घड़ी घड़ी कॉलेज के पास आएंगे वो लड़की को घसीटेंगे, ये लड़के को से हम लोग कभी भी पुलिस चौकी में भी एक एजेंसी लिखाए थे तो भी उन लोगों ने एक्शन नहीं लिए, हमेशा हम लोग ने यही करे ले, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं हो लोग, हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस यही कहना हम लोग को। ये जो झगड़ा हुआ ये लड़कियों की छेड़खानी के ऊपर से हुआ, ऐसा कहना आपका? हाँ, खत्म होती बात, यही है बात हमारी। 12 जनवरी को यहाँ आपके आनंद कोलियावाड़ा इलाके में लड़कों के झगड़े हुए थे, दो गुट थे, एक जीवन बाग से कुछ लड़के आए थे और कुछ यहाँ के लड़के थे, क्या मामला है और क्या पूरी सच्चाई है इस झगड़े की? हम लोग सर न्यू मॉडल के यहाँ पे सब बैठ के गेम कर रहे थे, इनकी क्लासेज छूटी तो ये इनके तूतू में हुई, फिर बाद में हमने सबको सेटल करा के घर भेजे, तो बाद में जीवन बाग से बॉम्बे कॉलोनी से सब 4-4 जन जो लड़के का झगड़ा था उन लोगों ने एक एक करके सब इधर जमा होना चालू किए, जमा होने के बाद ये लोग मार पिटाई इधर करना चालू किए, मिठाई के साथ किए मार पिटाई, ये जो ये आरिफ लोग के जो दोस्त लोग थे तो उनके यहाँ मारपीट चालू किए, तो हम लोगों ने पहले तो सेटलमेंट सब करा दिए थे, मतलब आप लोग झगड़ा मत करो इधर, गाली गलौज मत करो, सबकी माँ बहनी जैसे जाती है, तो इन लोग ने यहाँ पे मारना चालू करे तो बीच बीच में जाने के हाथापाई लोग पहले चालू किए, उसके हाथापाई में धक्के लगने से वो मारामारी चालू हो गई, मारामारी हुई भी नहीं थी पहले, सब सेटल कर ये कर दिए थे पूरा, पर उसके बावजूद इन लोग ने लेके आके जीवन बाग से 4-4 लोग को ऐसा 12-15 लोग को जमा करे, लड़ने के मौजूद के हिसाब से, लड़ाई करने के मौजूद के हिसाब से लोग आए थे एरिया में, और यहाँ पे हम लोग खड़े थे, जस्ट हम लोग यहाँ एरिया के थे तो हम लोग नहीं चाहते थे किसी का झगड़ा हुए, इसके लिए हम लोग पूरा वो कर रहे थे और हम लोग पूरा ये लाइव वीडियो हम लोग अपने आँख के सामने देखे, तो हमारे बच्चे लोग ने मारे, क्यों मारे, क्यों हमारे बच्चे लोग को मारा गया इसके लिए बच्चे लोग ने मारे। अच्छा, स्टार्टिंग में लोगों ने शुरुआत किए झगड़े को, हमला उन लोगों ने, हमला पहले उन लोगों ने किए, हमले के जवाब में फिर इन्होंने जवाब दिया। ये आपकी चाय की दुकान आनंद कोलियावाड़ा में ही है ना जी?
हाँ, ये 12 जनवरी को यहाँ पर रात में 9 बजे के करीब कुछ झगड़ा हुआ था लड़कों के बीच में, दो ग्रुप थे जी। हाँ, तो क्या झगड़ा हुआ था, आपने क्या देखा, पूरा क्या मामला है? झगड़ा तो उधर से सेटलमेंट करते हुए आ रहे थे, अचानक में यहाँ सब जमा हुए। हाँ। सामने वाली पार्टी ने यहाँ के लड़कों को हाथ उठाया। हाँ। फिर यहाँ के लड़कों को छुड़ाने लगे। हाँ। फिर ज्यादा करने लगे तो यहाँ के लोग भी मारे, वहाँ के लोग भी मारे, मारा मारी आपस में ही हुआ। अच्छा, तो ये पहला स्टार्टिंग वो लोग ही किए, बाहर से जो लड़के आए। हाँ, उन लोगों ने, आरिफ के नाम का लड़का है, उसके ऊपर चमाट पहला वही लोग ने मारे। ये 12 जनवरी को आपके इलाके में जो झगड़ा हुआ है, जीवन बाग के लड़के कुछ बॉम्बे कॉलोनी के लड़के थे ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या है ये पूरा झगड़ा, क्यों बार बार यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं और इस तरीके की जो है खूनी वारदातें मारपीटें यहाँ पर क्यों हो रही है आपके इलाके में? दरअसल भाई, जो कुछ हुआ वो काफ़ी गलत हुआ। इस चीज़ को लेकर यहाँ के एरिया के लोग काफ़ी दिनों से परेशान है। लड़कियों को छेड़ना ये कंप्लेंट है, बिल्डिंग वालों ने कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं। लड़कों को समझाते कि ये सब मत करो, ये लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे लड़कियों को लेके बैठते हैं। ये झगड़ा उसी चीज़ का था। और उस दिन 12 तारीख को भी बीए जोनली के पास लड़की को लेकर कुछ मसला हुआ, वहाँ मारामारी हुई। एरिया के जो समझदार बड़े लोग थे उन्होंने उनको शॉर्ट आउट करके सब खत्म कर दिया। ये बीए जोनली के पास हुआ। वहाँ ख़त्म होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर आके जीवन बाग के 20 से 25 लड़के लोग ने आके झगड़ा किया। वजह, उसमें जिन्होंने कंप्लेंट किया जिसका नाम आवेश, उसकी कंप्लेंट में ये लिखा हुआ, वो कहता है कि हम लोग सिर्फ मेरे दोस्त को अल्तामाश को मार रहे थे, मैं बचाने गया तो मुझे मारे, हम लोग सिर्फ दो जन थे। पर उन्होंने 20 से 25 लोगों को लेकर आया, यहाँ पर मारामारी किया। उसका जवाब लड़कों ने दिया कि किसी को मार रहे थे, वो बचाएंगे क्या करेंगे, उसको मार रहे 20-25 जन आके, उसको बचाने में वो लोग गए तो इनको ही मारने लगा, तो ये बवाल बढ़ गया। और उन्होंने कंप्लेंट में ये लिखा है कि उसको मार रहे थे और मैं बचाने गया, वो सरासर झूठ है। क्योंकि देखो, हमारे इधर भी CCTV एरिया में सब जगह लगे हुए, हमने उसके फुटेज निकाले। अपने बोरा मस्जिद है उसमें भी CCTV लगा हुआ है, बशीत अपार्टमेंट है उसमें भी CCTV लगा हुआ है, उनकी फुटेज निकाले। उसमें बशीत के फुटेज में जो अल्तामाज कंप्लेंडर, ये लोग जो बता रहे जिसको मार रहे थे उसको बचाने आवेश गया और ये बवाल हुआ, वो 10 लड़के लेके आते हुए हमारे पास CCTV फुटेज है। फिर बोरी मस्जिद के फुटेज में जो आवेश कंप्लेंडर जो बोल रहा है मैं बचाने गया था, वो यहाँ पर इसी जगह पर फ़ोन में बात कर रहा है, सबको बुला रहा है। उसमें 20 से 25 लड़के जमा हुए, इकट्ठा हुए और यहीं आगे उन्होंने झगड़ा किया। अब तुम बाहर से आकर एरिया के लड़कों को मारोगे तो और क्या होगा? अगर यहाँ के एरिया के लड़के ने कुछ गलत किया तो आप पुलिस प्रशासन के पास जाओ, बोलो कि सर हमारे पे जाती हो रही, यहाँ के लड़के ऐसा कर रहे हैं। तुम 20-25 लड़के आके मारोगे तो झगड़ा ही होगा ना। अगर हुआ चलो ठीक है, हमारे लड़कों ने मारा, अब वो लोग ने भी मारा तो उसका जवाब भी, अगर उन्होंने मारा तो उन पर केस हमको कोई घूम नहीं, मगर हमको इंसाफ चाहिए। हमारे वो लोग बाहर से आ रहे एरिया में आके लड़कों लोग को मार के जा रहे हैं और उन पर केस नहीं, ये कौन सी बात है? प्रशासन हमारे साथ ही नहीं है। जिसको आफ्ताब को मारा गया, जिसको शुरुआत में मारे, जिसको बचाने के लिए, इधर आ भाई, इधर को, इस लड़के को मारा गया है शुरुआत में आके, इसको मारे, इसको मारने के लिए एरिया के लड़के बीच में आए कि भाई क्यों मार रहे। पहले उन्होंने समझाया कि भाई ख़त्म करो, मत मारो मत मारो, फिर उनको मारने लगे, तब एरिया के लड़के ने जवाब दिया, नहीं तो लफड़ा ही नहीं होता। अगर वो लोग ने कुछ गलत किया एरिया के लड़के तो आप प्रशासन को बोलो, पुलिस स्टेशन जाओ, ये कौन सी बात है दादागिरी करने की? आप 20-25 लड़के लेकर आके मारोगे और बाद में कंप्लेंट लिखाओगे कि साहब हमको मारा है, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे पास भी CCTV फुटेज है, आप देखिए, हमें सरकार से जनता से यही है कि हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा अच्छा, ये इंसाफ चाहिए आपको, तो आप लोग क्या पुलिस स्टेशन आपको सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप पुलिस के आला अधिकारियों के पास, वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएंगे इस मसले को लेकर के? जरूर जरूर हम जाएंगे, DCP साहब से मिलेंगे, CP साहब से मिलेंगे, हमें भी इंसाफ चाहिए। हम पुलिस स्टेशन में 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, साहब को बता रहे, मतलब साहब देखो इन्होंने मारा ठीक है, इनकी जो इन्होंने गवाही दी, इनका स्टेटमेंट दिया, उसके हमारे पास जो सबूत है उसको भी तहकीकात कीजिए। उसी वक्त जिस वक्त की उन्होंने कंप्लेंट लिखा है कि इस वक्त यहाँ पे मारा मारी, उसके 5 मिनट पहले के हमारे CCTV फुटेज है, हमने तो अपने घर से या मोबाइल से नहीं बनाया, एरिया में जो CCTV लगे उसके फुटेज है, उसमें साफ दिख रहा है कि इसी जगह पे जहाँ झगड़ा हुआ उसी जगह पे 25 से 30 लड़के आए, सब जीवन बाग और बॉम्बे कॉलोनी, वो लोग यहाँ क्या करने आए थे? और कंप्लेंट में ये लिखा है कि एक लड़के को मार रहे थे, दूसरा बचाने का, दोनों को सबने मिलकर मारा, मगर सच्चाई तो हमारे पास भी है, वो भी देखिए और इंसाफ कीजिए। हमारे लड़कों ने मारा, उन पर आपने केस किया ठीक है, मगर जिन लोगों ने उकसाया, जिन लोगों ने शुरुआत किया, उन पर भी तो केस करोगे, दोबारा कभी कहीं ना हो। 12 जनवरी को यहाँ पर जो झगड़ा हुआ उसमें तुम थे उस झगड़े के दौरान? हाँ थे ना। क्या हुआ? उस टाइम हम लोग अपना गेम खेल रहे थे, तो उधर पे गेम खेल रहे थे, तो मेरा दोस्त उधर पे जा रहा था तो उसको मारने लगे। क्या नाम है दोस्त का? दोस्त का नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, उसको मार रहे थे? हाँ, मार कौन रहे लोग मार रहे थे? वो अल्तामाश लोग मार रहे थे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर हम लोग मार रहे थे तो हम लोग गेम से छोड़ के उधर भाग के गए, देखे तो उन लोग को मार रहे थे, तो मैं भी उधर गया, तो मैं बचाव में छुड़ा रहा था तो उन लोग ने मेरे को भी मारने लग गए। अच्छा, तो मेरे को मारने लगे तो मैं भी धक्का धुक्का दे दिया। हाँ। तो उसमें मेरे को लग गया सर पे। हाँ। तो फिर मैं साइड हो गया, मेरे को लग गया ज़्यादा जोर से। हाँ। तो मैं साइड हो गया, उसमें झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, बढ़ गई। हाँ।
भाईजान, ये 12 जनवरी को आपके इलाके में जो झगड़े हुए लड़कों के बीच में, क्या क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्या जानकारी देंगे? नहीं, जानकारी की बात नहीं है, आए दिन अभी जो ये कॉलेज स्कूल छूटता है रफीक भाई, तो यहाँ जो ये लोग कई देर तक यहाँ बैठे रहते हैं। ये आपका कॉलेज छूटा, आप अपने घर जाओ। इसके अंदर यहाँ लड़कियों के साथ ये बेंचों पर मजाक मस्ती करते हैं। स्थानीय आदमी अगर कोई मना करेगा तो, हाँ जा रहा हूँ ना अंकल, यहाँ का रहने आया हूँ क्या, आड़ी बात करते हैं। भाई तुम लोग के माँ बाप रहते किधर, तुम लोग का स्कूल कॉलेजेस है तो स्कूल को भी देखना चाहिए कि भाई यहाँ बाहर क्या हो रहा है। यह हमेशा ढींगा मस्ती इनकी चलती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता तो ऐसे झगड़े खड़े हो जाते। अब ये लोग जो आए लफड़ा करने के लिए, अब यहाँ के लड़के तो जाके झगड़ा करे नहीं है, वही मना करने के ऊपर झगड़ा हुआ है इनकी। जो अब इसमें से कोई कॉलेज में पढ़ता है, क्लासेस में जाता है, कोई नहीं भी जाता है, और दिन भर सब यहीं आके अपना रहते दोस्त लोग के साथ में, तो स्थान के जो है, अभी तुम एकदम ज़्यादा फालतूगिरी करोगे तो कोई तो बोलेगा इसके अंदर, कोई तो मना करेगा ना कि सब एकदम आग बंद कर लेंगे। हाँ, तो ये मना करने के ऊपर से ये झगड़े हुए हैं जो भी है इसके अंदर, और ये शॉर्ट आउट होना चाहिए। अब जो एक केस बनी है इसके अंदर, तो सामने वाले भी तो इसके अंदर देखो ताली दोनों हाथ से बजती रफीक भाई, सीधी सी बात है। झगड़ा वो लोग ना आके यहाँ पे किए हैं, उसके पहले क्या हुआ था, कुछ हुआ था, वो शॉर्ट आउट हो गया था, तो ख़त्म करके लेना चाहिए। या तो आपको जाके प्रशासन को बोलना चाहिए कि हमको ये लोग यहाँ के एरिया के छोकरे तकलीफ देते, तुमने आके यहाँ पे अगर मारामारी की है तो फिर उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। 12 जनवरी को आनंद कोलियाड़ा परिसर में दो गुटों में युवकों के जो झगड़ा हुआ, उसके फॉलोअप की और पूरे तहकीकात की ये पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।